महाराष्ट्र का रुख करना चाहूंगी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं विनोद। विनोद, महाराष्ट्र की पहली हिस्ट्री भी देखें तो बहुत ज्यादा केसेस आते हैं वहां पर, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कैसे सरकार निपट रही है? देखिए, आपने देखा ही होगा कि कोविड की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को हुआ था, मुंबई में और आसपास के इलाकों में हुआ था। इस समय हम ठाणे शहर के ऑक्सीजन प्लांट पे मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र का पहला ऑक्सीजन प्लांट था जो दूसरी लहर में यहाँ पर शुरू हुआ था और दो प्लांट शुरू कर दिए गए थे, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। देखिए, अब ये तीन प्लांट पे पूरा यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर निर्माण होता है। रोज का 5 मेट्रिक टन यानी करीब 520 जंबो सिलेंडर रोजाना यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आगे जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको कोविड अस्पताल, ये देखो 1200 बेड का ये अस्पताल है। और यहाँ पर जितने भी मरीज है, जो भी वेंटिलेटर बेड पर मरीज है, उनको ये सप्लाई यहाँ पर होता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन की मशीन लगी है। मैम, हमें जरा समझाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर होगा। वहां से, हाँ, यहाँ बताइए जल्दी। बिल्कुल तैयार तो है सरकार, यानी कि जो सेकंड वेव आई थी उससे सबक लिया गया। उस समय पर ये ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे और ये दिखा भी रहे हैं हमें विनोद। अब मैं रुक करना चाहूंगी राजस्थान का, केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजे, वहां पर क्या कुछ तैयारियां और राजस्थान सरकार कितनी तैयार है कोविड से निपटने के लिए? उठाओ, देखिए, जब कोविड का पहला और दूसरा दौर आया था तो उस वक्त राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे रामगंज मॉडल हो, देश भर में मिसाल बना था। मैं इस वक्त यहाँ पर राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन भंडार में हूँ, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले वैक्सीन पहुँचती है। कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि जब पहला और दूसरा दौर आया था कोविड का, तो उस वक्त लोग सतर्क थे, वैक्सीन लगाते थे। अब लोगों ने लगाना छोड़ दिया, बूस्टर डोज तक वे नहीं लगा पाए। यहाँ पर वैक्सीन रखी जाती है सुरक्षित तौर पर, इसको जो टेम्परेचर चाहिए। नीरज जी हमारे साथ है, इस वैक्सीनेशन भंडार के पूरे चीफ हैं। पूरे जयपुर में और राजस्थान तक भी इनके दिशा निर्देश पे ही वैक्सीन भेजी जाती है जरूरत के हिसाब से। नीरज जी, इस वक्त कितनी वैक्सीन हम लोगों के पास है राजस्थान में और किस तरह से आप उसे आगे पहुंचा रहे हैं? क्या अभी जैसे ही खबर आई उसके बाद डिमांड बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है और हम पूर्व की भांति तैयार हैं और हमारे पास अभी कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और जयपुर जिले में करीब 75,000 डोज। बिल्कुल, तो राज्य राज्य शहर शहर अब सरकार पूरे अलर्ट मोड पर है। आज मीटिंग भी होनी है और अब पर्याप्त मात्रा में संसाधन है ये देखकर ये कहा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।